सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर को हरबा पेश करता हूँ, जिन्होंने आज इस रेफरेंस के लिए हमें मौका दिया कि हम उनकी याद में याद ताज़ा कर सकें, कुछ लफ्ज़ उनकी जिंदगी पर हम बोल सकें। और इसके बाद मैं जफर पत्ताई साहब जो स्पीच थी, मेरे साहब से उन्होंने अपने दिल से जो उनके अंदर जज्बात हैं उसको उभारा और उन्होंने जो बातें की हैं मेरे हिसाब से 100% मतलब अपने जो विशैला जिंदगी का है उसको निचोड़ न दिया। मैं सब जुबैर मलिक साहब जो हमारे फार्मर SVP ICCI के सदर और फार्मर सदर इस्लामाबाद चैम्बर तो और याद बाकी साहब मेरे कुलीग वाइस प्रेसिडेंट SVP ICCI रह चुके हैं, सुहेल मलिक साहब हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर UBG, हर दिल अजीज मोहब्बत करने वाले मेहनत करने वाले डिवोशन के साथ, आतिफ राम साहब माशाल्लाह हरिपुर चैम्बर के सदर रहे, इस्लामाबाद चैम्बर के सदर रहे, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट FPCS से हमारा अच्छा रिश्ता गुजरा उनके साथ अभी 4-5 साल से, अभी माशाल्लाह ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। SVP साहब ने हमें अपने मैसेज में यही कहा कि उनका साथ देना हमें और इंशाल्लाह हम लोग लगे जो हमारी बड़ी जिम्मेदारी हमारे बड़ों ने दी है खालिद साहब ने जफर पत्ताई साहब ने यही कहा कि उनको साथ लेके चलना है, तो हम चल रहे हैं इनके साथ। नया पत्ताई साहब सहेल साहब और तीनों हम चार जाते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह से हमारे साथ का है कि हम सबको उनके साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी 15-20 दिन रह गया और हमने पूरे मुल्क का टूर करना है, कुछ KPT कर लिया है, कराची कुछ किया है, अब पंजाब है और बलोचिस्तान इंशाल्लाह उधर भी दोबारा करेंगे। आज जो रेफरेंस है हमारा साहब ने जो मुनद किया है SM मुनीर साहब, उनके लिए लफज बहुत थोड़े हैं हमारे पास, उनकी जो जिंदगी है मोहब्बतों से भरी हुई है और कारोबारी तबके के लिए रहनमाई भी रहनमाई है, जितनी आप रहनमाई दे सकते हैं उनको आप उनको स्टडी कर लें आपको रहनमाई मिल जाएगी। को मैं मेरा मुझे याद है कि मैं फेडरेशन में आज से 15 साल पहले आया था, उनके साथ काफ़ी मुझे मौका मिला सफर का भी मीटिंग हुई भी, तो वो एक बाप की तरह समझाते थे, तो मुझे जब मैं इलेक्शन में कंपेन में था पत्ताई साहब मेरे साथ थे, खालिद जुए साहब जिन्होंने मुझे इनका शगीद बनाया, तो इनके साथ इनकी काम कर देखा मैंने और माशाल्लाह उन्होंने मेरी तरबियत की, उसके बाद अल्लाह पाक ने मेहनत इनकी कबूल की और मैं SVP ICCI का वाइस प्रेसिडेंट बना। मुझे नेशनल डे जब SM मुनीर साहब कहते हैं करीम हो जाएगा, मैं कह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, पत्ताई साहब का कल ही सबसे नंबर ये सबसे ज़्यादा लेगा वोट, तो कहते हैं आप मुझे जब मैं मेरे नतीजा हुआ तो मेरे सेकंड हाईएस्ट वोट आए थे, कहते हैं आप मुझे सिर्फ तेरी फिक्र थी तो तुम हो गई हो, मेरी सबसे ज़्यादा खुशी है। और उन्होंने मुझे बड़ी इकदार भी बुलाया नाश्ते पर, मैं पत्ताई साहब हम नाश्ते में गए घर पे,
उनकी एनडीआर से मिले, उन्होंने मेरा तारा सही तरह कराया उनके साथ भी। तो इस तरह के ये लीडर थे, इनने शेर साहब मुरस्तान पर को सही गाय को उन्होंने सबको मोहब्बत बांटी है, किसी के साथ मुकाबला ना उन्होंने किया है ना कोई कर सकता है। जो चीज़ क्वालिटी उनकी जिंदगी में थी वो मेरे ख्याल उनको हासिल करने के लिए दो तीन दफा जन्म लेना पड़ता है, तो शायद कोई आपको मिलने। लेकिन हम लोग मटेरियलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की, बेताशा मेहनत की, जिस तरह आपने इस फिल्म में भी दिखाया कि उन्होंने मेरे से ये जिक्र किया था कि जब मैं यह सफर करता था रात को करता तो मेरे $50 मेरे बच जाते थे होटल के, वो सुबह कमरा लेता था, फिर वो पूरा दिन अपना काम किया, फिर दूसरा दिन मैं होटल गुजारता था। तो इस तरह की जो लीडर जिन्हें मेहनत की है उन्होंने अल्लाह जरूर दुनिया में उसको कामयाब करता है। तो वो उस तरह के कई वाक्य बताते थे, इस तरह करना है, इस तरह आपने बोलना है, इस तरह इस अदब इस तरह बड़ों के साथ अदब करना है। एक दुनियावी बाप की सीयत से भी उन्होंने हमारी रहनुमाई की, तो मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। उनको इस वक्त दुआओं की जरूरत है, अल्लाह पाक उनकी रूह को जन्नत पर दोस्त भी अपना दर्जा था हमारे। बाकी जो उनकी फैमिली है उनके साथ ही मेरा उनके भाइयों के साथ भी अलग रहा है, उनके बच्चों के साथ रहे ज्यादा अलग रहा, तनवीर साहब से रहा है, कोई थोड़ा सा बिजनेस प्रॉपर्टी का बिजनेस है उस वाले से मेरा उनके साथ थोड़ा रास्ता रहा है। अब तुम्हारे माशाल्लाह मिनिस्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के कॉमर्स के, तो अभी अब जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तकरीबन हर रोज हमारी टेलीफोन पे या कहीं कराची या लाहौर मुलाकात रहती है। तो मैं समझता हूँ जितनी वो वर्किंग कर रहे हैं और किस स्टाइल से कर रहे हैं वो शायद अपने बाप तक ना पहुँचे, तो मैं समझता हूँ वो हमसे उनसे एक कदम आगे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह वो डिवोशन के साथ रात दो दो बजे तीन तीन बजे मेहनत करते हैं, बातचीत करते हैं, सब संग पाया सबको पता है, मेरा ख्याल से इस तरह की मैं समय तक वो करेंगे। लेकिन उन्होंने जो किया उसका नतीजा इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव मिलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह मियां कर्म करेगा। और जो उनकी मेहनत है जिस तरह उन्होंने वर्किंग की हुई है अल्लाह पाक करे उसी तरह रहे। तो हम आतिफ इकराम साहब को मैं यही कहूँगा कि आप उससे ज़्यादा जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करें, और हर बंदे के पास आपने जाना है, उनसे मिलना है, उसको यही समझना है कि यह मेरा वोटर ये है, बेशक वो अपोजिशन का हो तो आप उसी तरह करना है। बाकी जो वक्ता साहब एसएम साहब ने कहा था, मेरे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं चैम्बर में, इस्लामाबाद चैम्बर में, वो इस तरह मोहब्बत करते हर एक से, हर एक से, जो ये समझता है मेरे से ज़्यादा किसी और से नहीं करते, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। तो मुझे भी यही फील हुआ था जब मेरे साथ बैठते थे मोहब्बत से प्यार से, और इस तरह बात मेरे लेवल पे, मैं छोटा हूँ बहुत, वो मेरे लेवल पे आते थे, जब बड़ा बड़े से बात थे बड़े लेवल पे चले जाते थे वो। तो इस तरह की ये क्वालिटीज होती है ना, ये लीडरों में होती है, या आम बंदे में नहीं होती ना आ सकती हैं। हम तो जरा कोई प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं होते हफ्ता, वो हमारा सारे नीचे नहीं होता, हम कहते हैं हमारा बड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन वो हर वक्त मिलते थे, हाई ऑफिशियल से मिलते, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलते, तब उनका लेवल वो था। जब हम जैसे छोटों से मिलते थे वो लेवल अपना छोटा कर लेते थे ताकि कोई महसूस ना करे यार मैं छोटा या बड़ा हूँ। ये क्वालिटी माशाल्लाह पाक सब के अंदर डाले, और आखिर में मैं उनके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक उनकी रूह जन्नत रोज बुलंद दर्जा का आत्माए, और इसी तरह हम उनको हर बरसी में याद रखें, और ताकि वो हमारे दिलों में जो उन्होंने जी हुई है उसके उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे और बिजनेस कम्युनिटी की हिम्मत करें। अब सब बहन भाई उनके लिए उनकी रहनुमाई से फायदा उठाएं और अपने कारोबार को आगे ले चलें। मुल्क के लिए हमें काम करना है, पहले मुल्क है फिर हम लोग हैं, ना हम इंडस्ट्री है ना हम ट्रेड हैं।
ہم اسلام آباد ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہم اس نظریے سے اپنی محنت کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔